मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वह करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि 2020 तक किसानों की आय को दोगुना करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 73 साल बाद गांव में जो मजदूरी करते हैं उन्हें आर्थिक आज़ादी दिलाई है, इसलिए 24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना लागू की गई है। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। नहीं नहीं देखिए, सबको अपनी अपनी राजनीति करना है इसलिए वो कर रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो पहले व्यवस्था थी वो रहेगी, इतनी सी भी 0.01% भी कम नहीं कर रहे हैं। ये अतिरिक्त सुविधा किसान को दे रहे हैं, उपभोक्ताओं को दे रहे हैं, बिचौलिया हटा रहे हैं। यही पहले मांग करते थे कि मंडी में उन्हें पौने भाव पे बिक रहा है, किसान लूट रहा है, कोई कीमत नहीं दे रहा है। अब जब कीमत देने जा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अतिरिक्त सुविधाएं दे रहे हैं, इससे तो किसान का फायदा ही होगा। लेकिन इसमें डर ये लग रहा है कि फिर इसमें जो अंबानी अडानी आएंगे और एक पूरा बड़ा सेक्टर जो है खेती का किसानी का वो उस पे उनका अधिकार। देखिए हम चाहते हैं, ये हम चाहते हैं कि अडानी अंबानी नहीं, सब लोग आए कृषि क्षेत्र में इन्वेस्ट करें। अभी तक कृषि क्षेत्र में किसी ने इन्वेस्ट नहीं किया, इसलिए कृषि पिछड़ी हुई है, घाटे का धंधा। अभी तक सिर्फ बड़े बड़े शहरों में उद्योग धंधे लगे हैं, अब गांव में भी वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग प्लांट, कृषि उपकरण के उद्योग वगैरह सब डलेंगे, कृषि क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट होगा। ये देश कृषि प्रधान देश है। कायदे से नेहरू जी ने गलती की कि उनको कृषि को प्रधानता देते हुए अगर वो कृषि आधारित उद्योग लगाते तो आज देश दुनिया में नंबर एक होता, अमेरिका और चाइना से भी आगे निकलता। उन्होंने गलती की, वो हम सुधार रहे हैं। और देखो आपने उद्योग धंधे सब बंद हो गए कोरोना के चक्कर में, अडानी अंबानी सब नहीं पड़ गए, कोई भी पड़े गए। खेती ही थी जिसने जिंदा रखा दोनों टाइम, हम भी आप सब जिंदे, भोजन मिलता तो किसानों के कारण। और इसलिए कृषि क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए ताकि हम हमारी हिंदुस्तान की देखिए जलवायु अच्छी है, पर्यावरण अच्छा है, जमीन अच्छी है, मिट्टी अच्छी है, पानी है, नदियाँ हैं, पहाड़ है, पर्वत है, लेकिन यहाँ कृषि को प्राथमिकता नहीं दी गई, इसलिए हमारा देश पिछड़ा हुआ है, गरीब है। हमारा देश से गरीबी का कलंक घटेगा तब घटेगा जब किसी कृषि क्षेत्र को हम बढ़ावा देंगे, खेती को बढ़ावा देंगे। और इसलिए हम दुनिया में सिरमौर बन सकते हैं खेती को लाभकारी धंधा बनाने के लिए। किसान की आय उन्होंने कहा 2022 तक दोगुना करना है, और मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। असंभव को भी संभव करने का नाम है नरेंद्र मोदी जी, और इसलिए उन्होंने आजाद भारत में 73 साल बाद गांव को, किसान को और मजदूर को जो गांव में रहते हैं उनको आर्थिक आज़ादी दिलाई है। अगर मैं ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, लेकिन गांव को आज़ादी दिलाई मोदी जी ने 24 अप्रैल 2020 को, जिस दिन प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना उन्होंने लागू की देश में। इससे गांव की प्रॉपर्टी की वैल्यू कलेक्टर गाइडलाइन से होगी, प्लाट और मकान की, और उस वैल्यू के अनुसार किसान को और गांव वालों को अब दुकान के लिए, व्यवसाय के लिए, उद्योग के लिए, व्यापार के लिए, जो शहर के लोगों को जो गारंटी में रख के बैंक लोन मिलता था वो अब गांव के लोगों को मिलेगा, किसानों को मिलेगा, गांव में रहने वाले लोगों को मिलेगा। इससे गांव के विकास के द्वार खुलेंगे, गांव की तकदीर और तस्वीर बदलेगी, दशा और दिशा बदलेगी, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और महात्मा गांधी जी के सपनों को मोदी जी ने साकार किया है। इससे अब गाँव में किसान खेती के साथ साथ व्यापार, व्यवसाय, उद्योग भी लगा सकेगा, और इसके लिए मोदी जी ने 1,00,000 करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए, कृषि आधारित उद्योग के लिए बजट में प्रावधान किया और रिलीज किया है। इससे अब किसान सिर्फ खेती करने के लिए मजबूर नहीं रहेगा, मैं किसान हूं, मैं खेती भी करूंगा, मैं व्यापार भी करूंगा, मैं व्यवसाय भी करूंगा और मैं उद्योग भी लगाऊंगा। अब मेरे पास वेयर हाउस भी होगा, कोल्ड स्टोरेज भी होगा, फूड प्रोसेसिंग प्लांट भी डाल सकूंगा और निर्यात भी कर सकूंगा, व्यापार भी कर सकूंगा। और इसके कारण जो बिचौलिए थे किसान और निर्यातक के बीच में, उपभोक्ताओं के बीच में, किसान को मिलते थे 5 पैसे और बिचौलिए कमाते थे 4 गुना 5 गुना 10 गुना 20 गुना। इसलिए उपभोक्ताओं को भी अनाज, सब्जियां, फल सब महंगा मिलता था,
अब मोदी जी ने जो नए एक लाए हैं देश में कृषि सुधार के लिए, दो महत्वपूर्ण विधेयक अभी लोकसभा और राज्यसभा में पास हुए हैं, ये इस देश में नई कृषि क्रांति लाएंगे और किसानों को जो मजबूर थे उनको मजबूत बनाएंगे, आत्मनिर्भर बनाएंगे और किसान के विकास के द्वार खोलेंगे और बिचौलिया अलग होकर किसान की आय दोगुना, तीन गुना और चार गुना और ज़्यादा भी होगी। एक है कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक 2020 और दूसरा है कृषि सशक्तिकरण एवं संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020। मैं भारत के सभी सांसदों को, लोकसभा और राज्यसभा, जिन्होंने चर्चा के बाद ये दोनों विधेयक पास किए हैं, उसके लिए प्रधानमंत्री जी को, कृषि मंत्री हमारा गौरव है का विषय है कि मध्य प्रदेश के ही हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, उनको और सारे सांसदों को बधाई देता हूं मध्य प्रदेश के किसानों की ओर से। अब किसान अपनी मर्जी का मालिक होगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।